नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी, कामिका एकादशी के व्रत के पारण करते समय या फिर एकादशी के व्रत के पारण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत पारण करते समय हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। अब सेब की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना जाता है, तो व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेब धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का सेव प्रयोग करना चाहिए और गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध माना गया है और ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एकादशी के पारण करते समय हमें शामिल नहीं करनी है, किन चीज़ों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको एकादशी के व्रत पारना के समय पारण करते समय भूल कर भी कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है, उत्तेजना वर्धक होता है, वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि एकादशी के पारण करते समय हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।